फ्रेंड नमस्कार, आप सब लोग कैसे हैं? ऐसा करते सब लोग अच्छे हैं और ज्योत्सना के किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे खस्सी की चर्बी। तो देख सकते हैं हम छोटे छोटे करके काट लिए हैं। ये मेरे पास लगभग 400 ग्राम के हैं। तो तेल हम चढ़ा दे दिए हैं, कढ़ाई में गर्म हो चुका। यहाँ पे कुछ हम गर्म मसाला दे रही हूँ, कुछ सूखा मिर्चा तोड़ के डाल देते हैं और कुछ तेज पत्ता। और यहाँ पे हम सारे प्याज लहसुन अदरक का एक साथ में हम पेस्ट बना लिए। तो इसको थोड़ा हल्का सा हम भून लेते हैं। तो 2-3 मिनट हो चुका भून लिए। और यहाँ पे कुछ हम मसाला ऐड करते हैं। लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर यहाँ पे हम दिए हैं। मतलब मेरे पास मीट पाउडर नहीं था, जो मतलब सॉरी मीट मसाला जो पाउडर होते हैं, तो यहाँ पे हम जो बिरयानी का मसाला है वो दिए हैं। उसमें भी बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो ये सारे मसाला को हम दे देते हैं और उसी कटोरी को धो के थोड़ा सा पानी दे देते हैं और साथ में नमक भी दे देते हैं। तो स्वाद अनुसार नमक भी हम दे देते हैं। ये मसाला को हम अच्छे से भून लेते हैं जब तक इसमें से मतलब ऑयल ना छोड़ दे। तो फ्रेंड्स ऑयल छोड़ दिए हैं। इसी टाइम पे हम जो मटन की चर्बी है उसको हम काट काट के रखे थे, छोटे छोटे पीस करके उसको दे दिए। मटन की जो ये चर्बी है इससे बहुत सारे रेसिपी बनते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो हम सोचे क्यों ना आप लोगों से भी शेयर किया जाए। तो ऐसे फ्रेंड्स हमें ढक ढक के इसको पकाना है, तो हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो 5 मिनट हो चुका। जब इसको हम ढके थे तब तो मेरा फ्लेम एकदम स्लो था, अब स्लो करके ही हमें इसको पकाना है। मसाला को भी जो हम भुने थे उसमें टाइम भी हम स्लो करके ही भुने थे, तेज़ नहीं करना है। स्लो करके इसे 5-5 मिनट बाद हम इसे चलाते हुए इसको पकाएंगे, चर्बी को हम पकाएंगे। तो फिर से हम 5 मिनट बाद ढक देते हैं, मतलब 5 मिनट बाद फिर ओपन करेंगे इसको, फिर से ढक देते हैं। तो 10 मिनट हो चुका, हम हल्का सा पानी दे देते हैं ताकि हमारा जो मसाला है अच्छे से सेट हो जाए चर्बी के साथ और ये खाने में भी स्वाद लगेगा। तो पानी देने के बाद फिर से हम जो है 5 मिनट इसको ढक के रखते हैं। और जब तक हमारा ये बन रहा है, हम इतना सा जो गरम मसाला है देख सकते हैं, थोड़ा सा दालचीनी, थोड़ा लौंग है और 2 इलायची है, इसको हम पीस लेंगे गरम मसाला के तौर पे। आप चाहे तो पाउडर भी यूज़ करें। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुका, अब जो गरम मसाला हम पीस के लाए थे वो दे देते हैं। अब अपना नमक चेक कर लेते हैं कैसा है। तो नमक मेरा परफेक्ट है एकदम और रेडी है एकदम। मटन की जो चर्बी है उसका खाने में बहुत अच्छा लगता है, रोटी के साथ, नान के साथ, जिसके साथ आपको अच्छा लगे, चावल के साथ या पुलाव के साथ आप ज़रूर खाएं। इस तरीक़ा से बना के आपको अच्छा लगेगा। बहुत से लोग हैं नहीं खाना चाहता है, बोलते बहुत ऑयल है, ये है वो है। तो इस तरीक़ा से बना के खाए आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरी रेसिपी? आप सबको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें। सब लोग स्वस्थ रहे। बाय।